स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन फाइव, द स्नेक एंड द मिरर, अर्थात सर्प और दर्पण। इस कहानी के लेखक हैं बाइकॉम मोहम्मद बशीर। कहानी का पैराग्राफ नंबर वन। क्या तुमने कभी किसी सर्प को अपने शरीर के हिस्से से लपेटा पाया है? एक पूरा खून से भरा कोबरा। हम सभी चुप थे। यह प्रश्न होम्योपैथिक डॉक्टर से आया था। यह विषय वार्ता में आया जब हम सर्पों के बारे में बात कर रहे थे। हमने डॉक्टर को ध्यान से सुना जब डॉक्टर ने अपनी कहानी जारी रखी। वह एक ग्रीष्म ऋतु की रात्रि थी, लगभग 10 बजे थे। मैंने रेस्तरां में खाना खा लिया था और अपने कमरे पर वापस लौट आया था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने सुना ऊपर से आवाज़ आई। यह आवाज़ जानी पहचानी थी। कोई कह सकता है कि चूहे, और मैं उस कमरे के हिस्सेदार थे। मैंने अपने बक्से से तीलियां निकाली और टेबल पर रखे घासलेट के लैंप को जलाया। कहानी का पैराग्राफ नंबर टू। घर में बिजली नहीं थी। वह एक छोटा किराए पर लिया गया कमरा था। मैंने अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी और मेरी आय बहुत थोड़ी थी। मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे और उनके साथ कुछ शर्ट और धोतियाँ थीं। मेरे पास एक अकेला काला कोट था जो उस वक्त पहना था। कहानी का पैराग्राफ नंबर थ्री। मैंने अपना काला कोट, सफ़ेद शर्ट व कम सफ़ेद बनियान उतारी व उन्हें टांग दिया। मैंने कमरे की दो खिड़कियां खोली। वह एक बाहर वाला कमरा था जिसकी एक दीवार खुले अहाते के सामने थी। मेरे पास एक केबल की छत थी जो मकान की बीम पर टिकी थी। एक त्रिभुजाकार छत थी, कोई अंदर की छत नहीं थी। उसकी बीम पर चूहों का इधर उधर का यातायात निरंतर जारी रहता था। मैंने अपना बिस्तर ठीक किया और उसे दीवार के पास किया। मैं लेटा पर सो नहीं सका। मैं फिर उठा और बरामदे पर थोड़ी हवा लेने के लिए खड़ा हुआ, जिस पर थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी। शायद वायु देवता का टाइम हो गया था। कहानी का पैराग्राफ नंबर फोर। मैं वापस कमरे में गया और कुर्सी पर बैठ गया। मैंने टेबल के नीचे का बॉक्स खोला और एक पुस्तक मटेरिया मेडिका निकाली। मैंने उसे केवल एक टेबल पर खोला जिस पर लैंप रखा था और एक बड़ा आईना था। दर्पण के पास एक कंघा पड़ा था। जब पास में कोई आईना होता है तो व्यक्ति उसमें देखने को उकसावा देता है। मैंने एक दृष्टि डाली। मैं दिनों में सुंदरता का बड़ा प्रशंसक था। मैं अपने आप को सुंदर व आकर्षक लगने में विश्वास करता था। मैं यह महसूस करता था कि मुझे मेरे होने का एहसास महसूस कराना चाहिए। मैंने कंघा उठाया और उसे अपने बालों में फिराया और मांग को संवारा ताकि वह सीधी साफ दिखे। मैंने फिर से उस ध्वनि को सुना। कहानी का पैराग्राफ नंबर फाइव। मैंने दर्पण में अपने चेहरे को पास ले जाकर देखा। मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि मैं रोज शेव करूंगा व पतली मूछ रखूंगा ताकि मैं अधिक सुंदर दिख सकूं। आखिरकार मैं कुंवारा हूं व एक डॉक्टर हूं। मैंने दर्पण में देखा और मुस्कुराया। वह एक आकर्षक मुस्कुराहट थी। मैंने दूसरा धरती को हिलाने वाला निर्णय लिया।
मैं सदैव उस मुस्कुराहट को मेरे चेहरे पर धारण किए रहूंगा ताकि मैं अधिक सुंदर दिख सकूं। आखिरकार मैं एक कुंवारा युवक हूं और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक डॉक्टर हूं। फिर ऊपर से वह आवाज आई, कहानी का पैराग्राफ नंबर 6। मैं उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा। फिर दूसरा प्यारा विचार मेरे मन में आया, मैं शादी करूंगा। मेरी एक स्त्री डॉक्टर से शादी होगी जिसके पास खूब पैसा होगा और एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस। उसे मोटा होना होगा एक ठोस कारण से। यदि मैं कभी कोई मूर्खतापूर्ण गलती करूंगा और मुझे भागने की ज़रूरत पड़ी तो वह दौड़कर मुझे नहीं पकड़ सकेगी। इन विचारों के साथ मैं फिर कुर्सी पर टेबल के सामने बैठ गया। अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई। अचानक एक भारी सी भद की आवाज़ आई, जैसे कि एक रबर की ट्यूब जमीन पर गिरी हो। निश्चय ही चिंता की कोई बात नहीं। फिर भी मैंने सोचा कि मैं मुड़ूं और देखूं। जैसे ही मैंने मुड़ा, वैसे ही एक मोटा सांप कुर्सी पर लपेटे लेने कुर्सी के पीछे आया और मेरे कंधे पर बैठ गया। सांप का मेरे ऊपर बैठना और मुड़ना एक साथ हुआ। कहानी का पैराग्राफ नंबर 7। मैं कूदा नहीं, मैं कांपा नहीं, मैं चीखा नहीं। ऐसा कुछ करने का समय ही नहीं था। सांप मेरे कंधे पर से रेंगा और मेरी भुजा को कोहनी से ऊपर थी आकर लिपट गया। उसका फन फैला था और मेरे चेहरे से मुश्किल से 4 या 5 इंच दूर था। केवल यह कहना काफ़ी नहीं होगा कि मैं सांस रोके बैठा रहा। मैं एक पत्थर में परिवर्तित हो गया था, किंतु मेरा मस्तिष्क बहुत सक्रिय था। दरवाज़ा अंधेरे में खुला था, पूरा कमरा अंधेरे से घिरा था। मैं लैंप के उजाले में एक पत्थर की मूर्ति की तरह है जिसमें पास ही बैठा था। कहानी का पैराग्राफ नंबर 8। तब मैंने इस ब्रह्मांड और विश्व के कर्ता की उपस्थिति को महसूस किया। ईश्वर वहां था। मानो कि मैंने कुछ कहा हो और वह उसे पसंद नहीं करता था। मैंने अपनी कल्पना में चमकते अक्षरों से मेरे नन्हे दिल के बाहर लिखा हो, हे भगवान। मेरी बाई भुजा में थोड़ा दर्द था। वह ऐसा था एक मोटी कांसे की छड़, नहीं एक पिछली आज की छड़। धीमे किंतु बड़ी शक्ति के साथ मेरी भुजा को चूर चूर कर रही हो। मेरी भुजा में से सारी ताकत बहना शुरू हो गई हो। मैं क्या कर सकता था। कहानी का पैराग्राफ नंबर 9। यदि मैंने जरा सी भी हरकत की तो सांप चोट करता। मौत 4 इंच दूर थी। अगर उसने काटा तो मैं कौन सी दवा लूंगा। कमरे में कोई औषधि नहीं थी। मैं क्या था, एक गरीब मूर्ख सुस्त डॉक्टर। मैं अपना खतरा भूल गया और कमजोरी से मुस्कुराया। ऐसा लगा जैसे कि ईश्वर ने उसकी प्रशंसा की हो। सर्प ने अपना सिर घुमाया, उसने अपना प्रतिबिंब आईने में देखा। मैं यह दावा तो नहीं करता कि वह पहला सर्प था जिसने अपने आप को एक आईने में देखा हो, पर यह निश्चित था कि सर्प दर्पण में अपनी आकृति देख रहा था। क्या वह अपनी सुंदरता पर गर्व कर रहा था? क्या वह एक मूछ या अपनी आँख में काजल लगाने या अपने कपाल पर सिंदूर लगाने के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था? कहानी का पैराग्राफ नंबर 10। मैं
कुछ भी निश्चित रूप से जानता नहीं था। इस सर्प का लिंग क्या था? वह पुल्लिंग था या स्त्रीलिंग? मुझे कभी मालूम नहीं होगा, क्योंकि सर्प ने मेरी बाह की जकड़ खोली और रेंगता हुआ मेरी गोद में आया। वहाँ से वह टेबल पर रेंगता आ गया और आईने की तरफ गया। शायद वह पास से अपने प्रतिबिंब का आनंद लेना चाहता हो। अब मैं पत्थर की मूर्ति मात्र नहीं था, अचानक मैं मांस और खून का बना मनुष्य हो गया। फिर भी अपनी सांस रोककर मैं कुर्सी से उठा। मैं चुपचाप दरवाजे से निकलकर बरामदे में चला गया। वहां से मैं आते में कूदा और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भागा। ओह, सभी ने चैन की सांस ली। किसी ने पूछा, डॉक्टर, क्या तुम्हारी पत्नी मोटी है? कहानी का पैराग्राफ नंबर 11। डॉक्टर ने कहा, नहीं, ईश्वर की इच्छा दूसरी ही थी। मेरा जीवन साथी एक दुबली पतली हड्डियां दिखने वाली व्यक्ति थी और उसके पास एक तीव्र धावक की विशेषता थी। किसी ने पूछा, डॉक्टर, जब तुम भागे तो क्या सर्प ने तुम्हारा पीछा किया? डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं भागा भागा एक दोस्त के घर पहुंचा। तत्काल मैंने अपने पूरे शरीर पर तेल की मालिश की और स्नान किया। मैंने धुले कपड़े पहने। अगली सुबह करीब 8:30 बजे मैंने मेरे दोस्त व अन्य एक दो लोगों के साथ मेरे कमरे से मेरी चीज़ें लेने गया, किंतु मैंने पाया कि हमें ले जाने के लिए कुछ ही वस्तुएं थीं। कोई चोर मेरी अधिकांश चीज़ें ले गया था। मेरा कमरा बिल्कुल साफ था, किंतु वास्तव में नहीं, चोर मेरे अंतिम अपमान के लिए एक चीज छोड़ गया था। कहानी का पैराग्राफ नंबर 12। मैंने पूछा, वह क्या चीज थी? डॉक्टर ने कहा, मेरी गंदी बनियान। उस आदमी में स्वच्छता का इतना एहसास था। बदमाश उसे ले जाता, बस साबुन पानी से धोकर उसका उपयोग कर सकता था। क्या फिर तुमने अगले दिन सर्प को देखा, डॉक्टर? तब डॉक्टर साहब हंसे, मैंने तब से उसे कभी नहीं देखा, पर हाँ, ऐसा सर्प जो खुद अपनी ही सुंदरता पर गर्वित था। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में दो वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।